फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनीमीज़ मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनीमीज़ मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी पब्लिक एनीमीज़ मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बेनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मैन ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने केविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटीलार्ड देखने को मिल जाएंगे बिल्ली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूज़िक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थल ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राई का प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई दो हज़ार नौ है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज मूवी का एक सौ चालीस मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था, था, था। उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटिलार्ड ने विली फ्रैंकिट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का कैरेक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का कैरेक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पेरपॉन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड वर्थ ऑफ द एफ बी आई जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई एम डी पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे माधरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनिमीज मूवी के बारे में यह मूवी साल दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी पब्लिक एनिमीज मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में so फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बैनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज मूवी को माइकल मान ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटी देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूजिक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राईबै का प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई 2009 है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी के 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलंगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटी ने विली फ्रेंकीट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का करैक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का करैक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का करैक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हेरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का करैक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पैर पौन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज़ ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड द वर्थ ऑफ द एफ जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी वी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनीमीज़ मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज़ मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी पब्लिक एनीमीज़ मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बेनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूज़िक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थल ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राई बैका प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई दो है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी का 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटिलार्ड ने विली फ्रैंकिट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का कैरेक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का कैरेक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पेरपॉन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड वर्थ ऑफ द एफ बी आई जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई एम डी पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे माधरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनिमीज मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी पब्लिक एनिमीज मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में so फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बैनेट ने एन बैडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने केविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटी देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूजिक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म ट्राईबै का प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई 2009 है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी के 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलंगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटी ने विली फ्रेंकीट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का करैक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का करैक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का करैक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का करैक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पैर पौन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज़ ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड द वर्थ ऑफ द एफ जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी वी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनीमीज़ मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज़ मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी पब्लिक एनीमीज़ मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनीमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बेनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जैफरे फोर्ड ने और म्यूज़िक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राई बैका प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई दो है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी का 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटिलार्ड ने विली फ्रैंकिट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का कैरेक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का कैरेक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पेरपॉन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड वर्थ ऑफ द एफ बी आई जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई एम डी पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनिमीज मूवी के बारे में यह मूवी साल दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी पब्लिक एनिमीज मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में so फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बैनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मैन ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज मूवी को माइकल मैन ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटी देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूजिक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राईबै का प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई 2009 है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी के 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलंगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटी ने विली फ्रेंकीट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का करैक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का करैक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का करैक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हैरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का करैक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पैर पौन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज़ ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड द वर्थ ऑफ द एफ जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी वी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनीमीज़ मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज़ मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी पब्लिक एनीमीज़ मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बेनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूज़िक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राई बैका प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई दो है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी का 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटिलार्ड ने विली फ्रैंकिट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का कैरेक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का कैरेक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पेरपॉन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड वर्थ ऑफ द एफ बी आई जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई एम डी पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनिमीज मूवी के बारे में यह मूवी साल दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी पब्लिक एनिमीज मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में so फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बैनेट ने एन बैडरमैन ने एंड माइकल मैन ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने केविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटी देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूजिक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म ट्राईबै का प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई 2009 है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी के 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलंगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटी ने विली फ्रैंकिट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का करैक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का करैक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का करैक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हेरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का करैक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पैर पौन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज़ ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड द वर्थ ऑफ द एफ जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी वी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनीमीज़ मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज़ मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी पब्लिक एनीमीज़ मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बेनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूज़िक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राई बैका प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई दो है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी का 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटिलार्ड ने विली फ्रैंकिट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का कैरेक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का कैरेक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पेरपॉन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड वर्थ ऑफ द एफ बी आई जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई एम डी पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे माधरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनिमीज मूवी के बारे में यह मूवी साल दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी पब्लिक एनिमीज मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में so फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बैनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज मूवी को माइकल मैन ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटी देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूजिक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म ट्राईबै का प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई 2009 है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी के 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलंगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटी ने विली फ्रेंकीट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का करैक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का करैक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का करैक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हैरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का करैक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पैर पौन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज़ ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड द वर्थ ऑफ द एफ जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी वी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनीमीज़ मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज़ मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी पब्लिक एनीमीज़ मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनीमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बेनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मैन ने, ने। प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने कैिन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूज़िक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थल ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राई बैका प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई दो है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी के 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटिलार्ड ने विली फ्रैंकिट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का कैरेक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का कैरेक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पेरपॉन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड वर्थ ऑफ द एफ बी आई जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई एम डी पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनिमीज मूवी के बारे में यह मूवी साल दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी पब्लिक एनिमीज मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में so फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बैनेट ने एन बैडरमैन ने एंड माइकल मैन ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने केविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटी देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूजिक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म ट्राईबै का प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई 2009 है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी के 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलंगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटी ने विली फ्रेंकीट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का करैक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का करैक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का करैक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हैरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का करैक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पैरपॉन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज़ ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड द वर्थ ऑफ द एफ जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी वी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनीमीज़ मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज़ मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी पब्लिक एनीमीज़ मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बेनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जैफरे फोर्ड ने और म्यूज़िक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राई बैका प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई दो है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी के 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटिलार्ड ने विली फ्रैंकिट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का कैरेक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का कैरेक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पेरपॉन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड वर्थ ऑफ द एफ बी आई जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई एम डी पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे माधरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनिमीज मूवी के बारे में यह मूवी साल दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी पब्लिक एनिमीज मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में so फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बैनेट ने एन बैडरमैन ने एंड माइकल मैन ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने केविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटी देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूजिक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थल ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राईबै का प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई 2009 है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी के 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलंगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटी ने विली फ्रेंकीट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का करैक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का करैक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का करैक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हैरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का करैक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पैर पौन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज़ ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड द वर्थ ऑफ द एफ जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी वी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनीमीज़ मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज़ मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी पब्लिक एनिमीज मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बेनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूज़िक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राई बैका प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई दो है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी का 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटिलार्ड ने विली फ्रैंकिट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का कैरेक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का कैरेक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पेरपॉन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड वर्थ ऑफ द एफ बी आई जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई एम डी पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनिमीज मूवी के बारे में यह मूवी साल दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी पब्लिक एनिमीज मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में so फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बैनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज मूवी को माइकल मान ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटी देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूजिक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थल ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म ट्राईबै का प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई 2009 है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी के 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलंगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटी ने विली फ्रेंकीट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का करैक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का करैक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का करैक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हैरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का करैक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पैर पॉन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज़ ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड द वर्थ ऑफ द एफ जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी वी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनीमीज़ मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज़ मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी पब्लिक एनीमीज़ मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बेनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जैफरे फोर्ड ने और म्यूज़िक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राई बैका प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई दो है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी का 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटिलार्ड ने विली फ्रैंकिट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का कैरेक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का कैरेक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पेरपॉन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड वर्थ ऑफ द एफ बी आई जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई एम डी पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे माधरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनिमीज मूवी के बारे में यह मूवी साल दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी पब्लिक एनिमीज मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में so फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बैनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज मूवी को माइकल मान ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटी देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूजिक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राईबै का प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई 2009 है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी के 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलंगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटी ने विली फ्रेंकीट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का करैक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का करैक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का करैक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हैरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का करैक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पैर पौन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज़ ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड द वर्थ ऑफ द एफ जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी वी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम। माधरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनीमीज़ मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज़ मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी पब्लिक एनीमीज़ मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बेनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूज़िक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थल ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राई बैका प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई दो है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी का 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटिलार्ड ने विली फ्रैंकिट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का कैरेक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का कैरेक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पेरपॉन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड वर्थ ऑफ द एफ बी आई जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई एम डी पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे माधरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनिमीज मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी पब्लिक एनिमीज मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में so फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बैनेट ने एन बैडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने केविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटी देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूजिक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म ट्राईबै का प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई 2009 है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी के 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलंगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटी ने विली फ्रेंकीट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का करैक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का करैक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का करैक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का करैक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पैर पौन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज़ ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड द वर्थ ऑफ द एफ जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी वी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनीमीज़ मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज़ मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी पब्लिक एनीमीज़ मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज़ मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बेनेट ने एन बाइडरमैन ने एंड माइकल मान ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने कैविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जैफरे फोर्ड ने और म्यूज़िक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म्स ट्राई बैका प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई दो है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी का 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटिलार्ड ने विली फ्रैंकिट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का कैरेक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का कैरेक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का कैरेक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पेरपॉन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड वर्थ ऑफ द एफ बी आई जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई एम डी पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एनिमीज मूवी के बारे में यह मूवी साल दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक एनिमीज मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी पब्लिक एनिमीज मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पब्लिक एनिमीज़ मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पब्लिक एनिमीज मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा कितने बजट में पब्लिक एनिमीज़ मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में so फुल डिटेल में आपको इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैन ने स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का रॉनन बैनेट ने एन बैडरमैन ने एंड माइकल मैन ने प्रोड्यूस किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को माइकल मैन ने केविन मिशर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप देखने को मिल जाएंगे उसके आगे क्रिश्चियन बेल देखने को मिल जाएंगे मैरियन कॉटी देखने को मिल जाएंगे बिली क्रडप देखने को मिल जाएंगे स्टीफन डॉर्फ देखने को मिल जाएंगे एंड स्टीफन लैंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेंटे स्पिनोटी ने और इस मूवी को एडिट किया है पॉल रूबेल ने जेफरे फोर्ड ने और म्यूजिक किया है पब्लिक एनिमीज मूवी का एलॉयट गोल्डन थर्न ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के रिलेटिवली मीडिया फॉरवर्ड पास मिशर फिल्म ट्राईबै का प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक एनिमीज़ मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जुलाई 2009 है और रनिंग टाइम है पब्लिक एनिमीज़ मूवी के 140 मिनट बजट की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी को 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 214 मिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जॉनी डेप ने जॉहन डिलंगर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने मेलविन परबिस का कैरेक्टर निभाया है मैरियन कॉटी ने विली फ्रेंकीट का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रोडप ने जे एडगार होबर का करैक्टर निभाया है स्टीफन डॉर्फ ने होमर बैन मैटर का करैक्टर निभाया है स्टीफन लैंग ने चार्लस विंस्टेड का करैक्टर निभाया है माइकल बैनट ने हैरवर्ड यंग ब्लड का करैक्टर निभाया है स्टीफन ग्राहम ने जॉर्ज नेल्सन का करैक्टर निभाया है जैसन क्लार्क ने जॉन हैमिल्टन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड बनहाम ने हैरी पैर पौन्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है यह मूवी एंड आपको बता दें कि यह मूवी बनाई गई है पब्लिक एनिमीज़ अमेरिकाज़ ग्रेटेस्ट क्राइम वेव एंड द वर्थ ऑफ द एफ जो कि ब्रयान वॉरग द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ज़रूर से इस मूवी को आप देख सकते हो यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है माइकल मैन ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड आई पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग मिले हैं पब्लिक एनमीज मूवी को आई एम डी वी की बात की जाए तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है एंड एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर जॉनी डेप कमाल की एक्टिंग करते देखने को मिल जाएंगे साथ ही में को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी तो पब्लिक एनिमीज़ मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी साथ ही में प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम